हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका शर्मा लर्न लू पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम कंप्यूटर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर पैराफिल्स। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में फोर बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र्स। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल डिवाइसेस जो हैं कंप्यूटर के, उनको रेफ़र करता है। जैसे कि अगर हमने कोई इनपुट देना है तो वो हम हार्डवेयर के थ्रू देंगे। तो हार्डवेयर जो है जिसको हम टच कर सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एट्सेट्रा, इन सबको आप टच कर सकते हो। तो ये आपका हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या है? अब अगर हम कंप्यूटर जो है, अगर हम उसको कोई काम देंगे तो वो खुद तो नहीं करेगा जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दें ताकि कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म कर सके। तो जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे ना, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, जिस पे वो कंप्यूटर जो है हमारा टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद आया डेटा। अब डेटा क्या है? डेटा जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं हम, जो कंप्यूटर में स्टोर होता है और जिसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया यूज़र। अब यूज़र कौन है? यूज़र हो गए हम लोग या कोई भी, मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, जो रिज़ल्ट ले रहा है, इनपुट दे रहा है और आउटपुट ले रहा है, वो हो गया यूज़र। ठीक है, उसके बाद आया मदर बोर्ड। तो मदर बोर्ड जो है वो क्या है? एक मेन इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसको हम मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर की सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोर्ड कनेक्टिविटी पॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें ही जो इसके साथ ही जो एक्सटर्नल पैराफिल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे कि रैम, रोम और बेसिक इनपुट आउटपुट चिप और CPU। ठीक है, हम चाहें तो हम इसके साथ और भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू? एक्सपेंशन स्लॉट्स के थ्रू। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम कंप्यूटर जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा कंप्यूटर जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के हिसाब से चलता है, प्रोसेस करता है, कि हम उसको इनपुट देंगे, फिर वो कुछ प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो है हमें आउटपुट मिलेगा। तो वैसे ही है कि हमने इनपुट दिया तो वो मेमोरी में गया, फिर वो कंट्रोल यूनिट के में गया, फिर उसके बाद फिर से वो मेमोरी में गया, फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में गया, फिर वो मेमोरी में गया। तो ये प्रोसेस जो है ऐसे ही चलता जाएगा और वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा और फिर हमें जो है आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है हम डिटेल में अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनपुट यूनिट क्या है। तो इनपुट यूनिट क्या हो गया? हम कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई डेटा जो है हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम जो दे रहे हैं वो हो गई इनपुट यूनिट। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन डेटा को, इंस्ट्रक्शंस या जो हम डेटा हम दे रहे हैं, कंप्यूटर उनको एक्सेप्ट कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर रहा है जिसमें जिसको ताकि वो रीड कर सके और फिर वो हमें फर्दर प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे CPU, CPU क्या होता है? तो CPU जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कंप्यूटर का, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, और वो किससे बनता है? वो बनता है सेंट्रल यूनिट से, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से और मेमोरी यूनिट से। तो CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्रेन है, तो वही एक सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। तो बाकी बॉडी पार्ट्स जो फंक्शन करते हैं वो ब्रेन के कहने पे ही करते हैं। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर के सारी कैलकुलेशंस जो हैं, कंपैरिजन जो हैं, जो भी है वो CPU के अंदर होती हैं और CPU ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सारी कैलकुलेशंस और एक्टिविटी जो परफॉर्म होती हैं उसके लिए CPU ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही कंट्रोल करता है, और बाकी सारे पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर के वो CPU के कहने पे ही चलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब CPU का जो पहला पार्ट है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? यही मैनेज करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कि कब कहाँ क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, या हमने अगर कोई उसको इंस्ट्रक्शन दी है तो वो मेमोरी में स्टोर करेगी या नहीं करेगी। तो ये चीज़ कौन बताती है? ये चीज़ बताता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? ये वो जगह है एक्चुअल में कंप्यूटर की जहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं
वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होती हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हो गई अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। और लॉजिक ऑपरेशन में क्या हो गया, एंड और जॉर और नॉट, ये सब हो गई लॉजिकल ऑपरेशंस। उसके बाद ये जो है ये यूज़फुल है कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करने के लिए भी, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हो गई, जैसे कि इधर आर निधर आर, ये वाली जो कंडीशंस हो जाती हैं ये हो गई कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आई मेमोरी। तो कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हमारा जो सब डेटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी हो गई जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, ठीक है, जिस पे हमारा कंप्यूटर जो है वर्क करता है। और इसमें इसकी क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और जब पावर चली जाती है या हम बोले कि लाइट चली जाती है, तो हमारा जो डेटा है वो भी ख़त्म हो जाता है, मतलब लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये किससे बनती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनती हैं। और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया कि जैसे अगर लाइट चली गई तो हमारा जो डेटा है जो आप काम कर रहे हैं करंटली, जो आप जिस टाइम आप काम कर रहे हो और उस टाइम लाइट चली जाए, तो वो भी आपका काम जो है वो वहीं पर आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी टू टाइप्स हैं, इसकी है रैम और रोम। अब रैम ये जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये कंप्यूटर की सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और हमें प्रोग्राम, कोई भी हम प्रोग्राम जो है प्रोसेस करता है तो वो रैम के थ्रू करता है। तो ये रीड और राइट मेमोरी होती है, ठीक है। और ये डेटा को स्टोर करती है, तब तक करती है जब तक हमारी मशीन जो है वो वर्क कर रही है। उसके बाद अगर हम इसके बारे में और बताएं तो इसकी बैटरी लाइफ जो है वो अच्छी होती है। ये वोलेटाइल होती है पर ये कॉस्टली होती है, ठीक है। और कुछ टाइप्स जो हैं इसकी वो है डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डी रैम, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम जो है उसको हम कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है डेटा स्टोर करने के लिए। और ये जो है अगर हम बार बार उसको हम स्टोर क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी मैं आपको फिर से बताती हूँ, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और हमें इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि जो डेटा है वो लूज़ ना हो जाए, ठीक है, मतलब डिलीट ना हो जाए या कुछ भी हो जाए। और जो इसकी मेमोरी है ना वो इकोनॉमिकल है, मतलब ये जो है चीपर है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। तो एस रैम जो है ये फास्टर है और लेस वोलेटाइल है देन डी रैम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एस रैम को वर्क करने के लिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट जो है पावर सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए इसको हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ज़्यादा पावर लेती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, पर इसका सिर्फ यही है कि हमें इसको डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आया एस डी रैम, मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी में इसमें क्या होता है, इसमें हमें मेमोरी को क्लॉक स्पीड के साथ जो है सिंक्रोनाइज किया जाता है, मतलब ये हो गया कि हमें एडजस्ट कर देता है, ये करता रहता है खुद को, ठीक है। उसके बाद आ गई रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम जो है ये एक परमानेंट मेमोरी है पर्सनल कंप्यूटर की, ठीक है। इसके बाद क्या है रोम, अब रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब जब हम कुछ भी स्टोर करते हैं ना, समझ लो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें जो है अगर आप कुछ आप गेम इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आपने गेम इंस्टॉल की तो वो आपकी रोम में जाएगी। लेकिन अब आप बोलोगे कि रैम का क्या यूज़ है, तो जब आप उस गेम को खेलोगे ना तो वो रैम के थ्रू प्रोसेस होगी, मतलब उस टाइम वो रैम में जाएगी और वो रैम के थ्रू प्रोसेस करेगी। पर जो रोम है वो इसलिए बनाई गई क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए थी, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है, उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रैम, और ये चीपर देन है रैम, ठीक है। अब रोम की टाइप आ गई एम रोम, मीन्स मास्ट रोम, ठीक है। ये ऐसी ये वाला रोम जो है टाइप रोम की, ये पहले यूज़ की जाती थी पर इसका यूज़ कहीं नहीं होता,
क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं जिसमें पहले से प्री प्रोग्राम डेटा होता था और इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते थे, पर ये इनएक्सपेंसिव है, पर ये आजकल नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पी रोम क्या है। तो पी रोम को हम बोलते हैं प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है ये ऐसा रोम है जिसमें हम एक बार चेंज या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यूज़र, जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ लाई तो वो पहले ब्लैंक होगी, तो एक बार आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं, पर एक बार जब आपने उसको कर लिया तो फिर आप उसको बाद में दोबारा इरेज नहीं कर सकते कि आप सोचोगे आप उसको चेंज करना चाहोगे तो दोबारा नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया ई पी रोम, मतलब इरेजेबल एंड प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको हम जो हैं इसको हम इरेज कर सकते हैं किसके थ्रू, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। तो ये एक ऐसी चिप है जो कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी ना कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करके रखती है। तो इसमें डेटा को लेज़र की हेल्प से इरेज कर सकते हैं या फिर हम डाल सकते हैं। तो जो ये तो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आया डबल ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द ई पी रोम जो है वो प्रोग्राम और इरेज होते हैं इलेक्ट्रिकली। ठीक है, और इसकी जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये इरेज हम कर सकते हैं और दोबारा से रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं 10,000 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद ये अगर प्रोग्राम जो है इरेज करना है हमें या फिर से रीप्रोग्राम करना है तो ये 4 to 10 मिली सेकेंड्स का टाइम लेते हैं। ठीक है, और ये किसका यूज़ करते हैं, ये एज अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आया सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डेटा को लॉन्ग टर्म प्रोसेस में अगर हमने स्टोर करना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। अब हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, प्राइमरी मेमोरी तो थी, पर प्राइमरी मेमोरी जो थी उसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी, उसकी वोलेटाइल मेमोरी थी, इस वजह से हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ये इसकी कॉस्ट भी कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, पर इसकी एक चीज़ है कि इसकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी स्लो है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, पर ये परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, और जो है इसकी क्या बोलते हैं टाइप्स है ना वो हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी, सीडी रोम और मैग्नेटिक टेप्स और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, ये सब सेकेंडरी ड्राइव मेमोरी की ही टाइप है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव क्या है, ये नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक डिस्क या फिर प्लेटर्स जो हैं वो रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे। ठीक है, और ये जो हैं ये डेटा को स्टोर करते हैं इन द सेगमेंट्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब बहुत सारे सर्कल्स हैं लेकिन जिनका एक ही सेंटर है। ठीक है, इस टाइप के, और ये स्पिन करते हैं 5400 से लेकर 15,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ओके, उसके बाद आया आपका फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज जो है वो फ्लॉपी डिस्क जो है वो किससे बने हैं, कंपोज हुए हैं थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क जो कि एक स्केयर प्लास्टिक कैरियर की उसमें सील होते हैं। ठीक है, और ये वाइडली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये किए जाते हैं सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर अगर हमें बैकअप कॉपीज़ का जो डेटा है उसको क्रिएट करना है तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता है। लेकिन हमें अगर रीड या राइट हमें कुछ भी करना है ना फ्लॉपी डिस्क में, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का होना ज़रूरी है, इसके बिना हमारा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आया हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, अगर आपने देखा होगा सीडीज जो पहले चलती थी वो किस लिए होती थी, वो मतलब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, पर इसका क्या होता था, ये जो है फ्रेजाइल, मतलब ये आसानी से टूट जाती थी और इसमें स्क्रैचेस पड़ सकते थे। ठीक है, उसके बाद आया सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये ऐसी स्टोरेज डिवाइस थी जो रीड करती थी पर हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते थे या इसमें हम डिलीट नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आई डीवीडी, मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क,
ये जो है ये हम करंटली हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं, आज भी हम इसमें करते हैं। ये हम पहले करते थे, लेकिन उसके बाद डीवीडी आ गई जिसमें हम ज़्यादा अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें हाई डेफिनेशन मटेरियल जो है ये एक्सेप्ट कर सकता था, और इसमें जो है टू लेयर जो है डीवीडी जो है वो होल्ड कर सकते थे, वीडियो साउंड मतलब डबल साइडेड। तो ये 17 GB तक कोई वीडियो साउंड या कुछ भी है उसको होल्ड होल्ड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आया ब्लू रे डिस्क, तो ये अपग्रेडेड वर्जन था किसका, सीडी का और डीवीडी डिस्क का, ठीक है। और इसमें क्या था, इसको हम बीडी रोम भी बोलते थे, लेकिन इसकी मैक्स होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क जो है वो डीवीडी की तरह ही होती है देखने में, पर इसकी जो कैपेसिटी है ना स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 3.9 TB तक की स्टोरेज कैपेसिटी है। उसके बाद आ गई फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव जो है वो क्या है, हमारी जैसे पेन ड्राइव हो गई, थंब ड्राइव हो गई। तो पेन ड्राइव तो आप सब जानते ही हो कि वो कितनी छोटी होती है और पोर्टेबल होती है, आप उसको इजिली कहीं पे भी ले जा सकते हो, डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हो। तो उसमें जो डेटा जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो 8 GB से 64 GB तक की होती है। उसके बाद आ गई जिप डिस्क। तो जिप डिस्क जो है वो किसने डेवलप की थी, वो डेवलप की थी आईओमेगा ने, और ये क्या था, ये एक एडवांस वर्जन था फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है। और इसमें जो है 100 या 250 MB या 750 MB की कैपेसिटी जो है इसमें अवेलेबल थी, अवेलेबल होती है, और ये होती है। और ये जो है यूज़ किस लिए किया गया, कि स्टोर करने के लिए, शेयर या फिर बैकअप करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, ठीक है। उसके बाद आई हमारी कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी जो है वो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को स्पीड अप करती है, और ये बफर का काम करती है किसमें, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। और ये स्मॉलर और फास्टर मेमोरी होती है, और ये जो कैशे मेमोरी जो है वो रैम से भी ज़्यादा फास्टर मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद आई हमारी वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या है कि हमारे कंप्यूटर में फ़िक्स अमाउंट होता है रैम का, ठीक है। जैसे कि अगर 2 GB या 3 GB, 6 GB जितना भी होगा वो फ़िक्स अमाउंट होगा। और अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम जो है वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर वो बड़ी ज़्यादा उसको स्पेस चाहिए एट ए टाइम, लेकिन उतनी आपकी रैम में नहीं है, तो उस टाइम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ होगा। और वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, हार्ड डिस्क ड्राइव को यूटिलाइज करेगी, उससे एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेस को एनलार्ज करेगी रैम में, और उसके थ्रू प्रोसेस होगा डेटा। और फिर ये जो है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, जब डेटा यूज़ हो जाएगा उसके बाद फिर से वो वापस हार्ड डिस्क ड्राइव में चली जाती है, ठीक है। देन उसके बाद है आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट हो गया कि हमने कंप्यूटर को कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दी है, जब हमें उसका रिजल्ट मिलेगा तो वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलेगा, ठीक है। एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है उसके थ्रू मिलेगा, तो वो हो गया हमारा, जब हम कोई रिजल्ट या हमें कोई इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसको हम बोल देंगे आउटपुट यूनिट, ठीक है। उसके बाद आ गया कंप्यूटर पैराफिल्स। अब कंप्यूटर पैराफिल्स क्या है, कंप्यूटर पैराफिल्स वो हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है फंक्शन वगैरह करता है। कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं होते हैं ये, लेकिन कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में, तो वो उसके जो है मतलब उनके बिना कंप्यूटर भी मतलब कुछ नहीं है, अगर आप समझ सकें तो, ठीक है। उसके उसमें आ गया इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो समझ लो एक लिंक है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, कि यूज़र जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देगा तभी कंप्यूटर उस पर वर्क करेगा और तभी कंप्यूटर हमें कुछ रिजल्ट देगा। तो हमने हमने जो है कुछ उसमें अगर इनपुट डाला या मतलब कोई इन्फॉर्मेशन डाली तो वो हो गई इनपुट यूनिट, ठीक है। तो किसके थ्रू हमने डाली, वो हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहला हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड तो आप सबको पता है कि कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है, वो डेटा को एंटर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिक और अल्फा फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम डेटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया हमारा माउस। तो माउस भी आपने देखा होगा, एक पॉइंटिंग कर्सर डिवाइस होता है जिसमें राउंड सी बॉल लगी होती है और जिसके थ्रू जो है वो मूव कर पाता है, और उसमें क्या बोलते हैं आप क्लिक कर सकते हैं उसके थ्रू। इस तरह का माउस होगा, आप उसके थ्रू क्लिक कर सकते हैं, उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बटन्स को प्रेस करके। तो वो हो गया माउस। उसके बाद आया जॉयस्टिक। ये यूज़ होता है कर्सर पोजीशन को मूव करने के लिए, और ये मेनली यूज़ होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस के लिए या फिर गेम्स वगैरह प्ले करने के लिए कंप्यूटर पे। और ये हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए भी जिनमें मूवमेंट की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद आया ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल जो है वो मोस्टली यूज़ होता है नोटबुक्स और लैपटॉप में, ठीक है। ये एक बॉल जैसा होता है जो हाफ इंसर्टेड होता है, और जब बॉल को हम फिंगर से मूव करते हैं तब हम जो है तब क्या होता है कि पॉइंटर जो है वो मूव
करता है, ठीक है। उसके बाद आया स्कैनर। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर ये इमेजेस को कैप्चर करता है किसी भी और प्रिंटर प्रिंटर प्रिंटेड मटेरियल से और कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्मेट में, और हमारे कंप्यूटर में ये डेटा को वो क्या कर सकता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आया बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर तो आपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि ये एक डिवाइस जैसा होता है, और वो क्या करता है, वो एक मतलब कोई भी अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर इस तरह की लाइंस टाइप की बनी होती हैं, तो ये उनको रीड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये जो है ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है स्पेशल इंक और कैरेक्टर के का यूज़ करके, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, जिसमें जैसे कि चेक्स वगैरह हैं उनको वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, तो ये बैंक्स में ही इसका यूज़ होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह को प्रोसेस करने के लिए भी यूज़ होता है। ये हाई स्पीड मेथड है स्कैन वगैरह करने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं OCR। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिट इमेज को टेक्स्ट में रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट को एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में भी कन्वर्ट करता है। उसके बाद आया OMR। OMR हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन या फिर रीड कर सकते हैं। तो मार्क्ड फील्ड और कंप्यूटर पे ये रिजल्ट जो है हमें वे शो कर देता है। आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम जो टेस्ट वगैरह देते हैं OMR शीट के थ्रू देते हैं, तो उसमें इस टाइप के होल्स होंगे और उनको आपको फिल करना है, तो ये इनको रीड करता है, ठीक है, और हमें रिजल्ट्स दे देता है कंप्यूटर पे। उसके बाद आया डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर क्या है, ये अलो करता है ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इसको ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं। और ये जो है ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, ये किया गया है CAD और CAM प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन क्या है, ये कंप्यूटर डिस्प्ले में हम जो भी कोई इनपुट डिवाइस है, ये टच स्क्रीन जो है वो इसलिए यूज़ होता है, एज़ अ टच स्क्रीन जो है वो टच कर सकते हैं हम फिंगर के थ्रू या फिर स्टाइलस के थ्रू, तो उससे हम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर आपने कुछ चेंजिंग लानी है तो आप टच स्क्रीन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आ गया वेबकैम। तो वेबकैम क्या है, ये कैप्चर और इमेजेस को स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में, और फिर हम इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या कहीं पर भी हम उसको फिर से स्टोर कर सकते हैं, आर्चीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया लाइट पेन। तो ये जो है लाइट पेन जो है, ये लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है या फिर पिक्चर्स को ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, या फिर कभी कभी ये हाइलाइटर का काम भी करता है कि हमने स्क्रीन पे कुछ मॉडिफाई वगैरह करना है, तो उसके लिए भी जो है लाइट पेन का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आया आउटपुट डिवाइस। आ गया आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं जो डेटा एक्सेप्ट करते हैं कंप्यूटर से और ट्रांसलेट करते हैं सुटेबल फॉर्म में, ठीक है, ताकि यूज़र को ईजिली समझ आ जाए। तो वो उसकी एग्जाम्पल्स हो गई मोनीटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लॉटर्स और प्रिंटर्स, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनीटर्स। मोनीटर क्या है, तो ये एक मेन आउटपुट डिवाइस है, ये इमेजेस बनाते हैं टाइनी डॉट से और रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, और इसकी शार्पनेस जो है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। तो स्क्रीन्स जो हैं यूज़ की जाती हैं मोनीटर्स में देखने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो इसकी फर्स्ट टाइप हो गई वो है कैथोड रे ट्यूब, मतलब इसको हम बोलते हैं CRT। तो ये मोनीटर जो है टीवी के स्क्रीन जैसे ही दिखते हैं, इनकी डिस्प्ले जो है वो पिक्सल से बनी होती है, मतलब स्मॉल पिक्चर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनसे बनती हैं ये, ठीक है, और इसमें जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से इमेज जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ना, ये क्या है, ये टीवी की तरह ही है, पर ये लाइटर है, थिनर है और ज़्यादा पोर्टेबल है CRT से, ओके। उसके बाद आया LCD, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकर्ड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD मॉनिटर जो हैं उसमें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट इमेजेस का यूज़ किया जाता है, ताकि इमेजेस को ब्राइटर बना सकें और अच्छी इमेज क्वालिटी हो, रेजोल्यूशन हो और कंट्रास्ट लेवल जो है वो अच्छा प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। उसके बाद आ गया LED। LED को हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो LED जो है इसमें लाइट, इसमें जो है डायोड्स का यूज़ किया जाता है, ताकि इसमें
न्यू बैक लाइटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें पिक्चर क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है और कलर सेचुरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेट होता है, इसलिए LED जो है वो LCD से बेटर है, ठीक है। उसके बाद जो है OLED मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मोनीटर। ये मोनीटर जो हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, जिस जैसे कार्बन, वुड, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, इन सब से बनते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसका ये डायरेक्टली यूज़ होते हैं करेक्ट कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसमें बैक लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पावर को सेव करते हैं और कम स्पेस जो है वो ये लेते हैं। तो उसके बाद आ गया प्रिंटर्स। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर डिवाइस है, आउटपुट आप सबको पता होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है ये प्रिंट करते हैं किसकी फॉर्म में, इमेजेस और टेक्स्ट की फॉर्म में, तो वो हो गए हमारे प्रिंटर्स। तो प्रिंटर में भी दो टाइप हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, जो कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं रिबन पर, ठीक है, और वो जो है पेपर पे प्रेस होते हैं और जिससे जो है प्रिंट होता है, तो वो हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें कि इसकी एग्जांपल हो गई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सब आ गई इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या हैं, इसमें बिना रिबन के यूज़ किए करेक्टर्स को पेपर पर प्रिंट करता है और ये पूरे पेज को एट ए टाइम प्रिंट कर लेते हैं, इसलिए इसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेज़र प्रिंटर्स। तो लेज़र प्रिंटर्स क्या हैं, ये वो प्रिंटर्स हैं जिसमें पेज को एट ए टाइम प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसमें जो है इंक टाइप जो यूज़ होती है वो ड्राई होती है। ये हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसमें टाइनी इंक पार्टिकल्स जो हैं उससे करेक्टर बनते हैं। तो इन प्रिंटर्स की रेजोल्यूशन जो है वो बड़ी ज़्यादा हाई रहती है और इसको मेजर करते हैं DPI में, मतलब डॉट पर इंच में, ठीक है। उसके बाद हमारा आया इंकजेट प्रिंटर्स। अब ये प्रिंटर कैसे वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं इंक के उसको स्प्रे करते हैं किस पे, शीट ऑफ पेपर पे। तो ये जो इंकजेट प्रिंटर हैं ये वेट होते हैं, मतलब ये इसमें जो इंक यूज़ की जाती है वो वेट होती है। उसके बाद अदर टाइप्स में सॉलिड इंक प्रिंटर और LED प्रिंटर। अब सॉलिड इंक प्रिंटर कौन से होते हैं, ये कलर प्रिंटर की टाइप है। इसमें सॉलिड इंक को क्या करते हैं, मेल्ट करके उसको यूज़ करते हैं इमेजेस पे प्रोड्यूस करने के लिए पेपर पे, ठीक है। उसके बाद आया LED प्रिंटर। अब LED प्रिंटर क्या है, इसमें लेज़र की जगह लाइट एमिटिंग डायोड का यूज़ करते हैं और ये लाइन बाय लाइन जो है ये प्रिंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या है, ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपीज़ को किसी भी लार्ज ग्राफ पे या डिज़ाइन के पेपर के उसके लिए यूज़ किया जाता है, कि हमें कोई बड़े बड़े ग्राफ्स या फिर डिज़ाइन जो है हमें प्रिंट करने हैं उसके लिए प्लॉटर्स का यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर कौन किसके लिए काम आता है, ये है आर्किटेक्चर प्लान्स करने वालों के लिए या फिर बिजनेस चार्ट्स के लिए, उनके लिए ये जो है ये यूज़फुल होता है। उसके बाद उसकी जो टाइप है ना फर्स्ट, वो है ड्रम प्लॉटर, ठीक है। ड्रम प्लॉटर क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें पेन का यूज़ होता है, पेपर को अटैच करते हैं ड्रम पे पिन के साथ, ठीक है। और ड्रम प्लॉटर को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और पेन जो है वो मूव करता है उसके ऊपर, ठीक है, और इमेज जो है उससे ड्रा होती है। और ये कंटिन्यूस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक एक्टिविटी को प्लॉट करने के लिए भी ड्रम प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रोलर प्लॉटर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, ये डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें पेपर जो है फ्लैट सरफेस पर होता है और पेन को हॉरिजेंटली और वर्टिकली मूव करते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स जो हैं उनका यूज़ होता है ग्राफिक्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई ग्राफिक जो है वो स्मॉल या बड़ा किस पे डिपेंड करता है, वो करता है फ्लैट बेड प्लॉटर की सरफेस पे। अगर फ्लैट बेड प्लॉटर की सरफेस छोटी है तो ग्राफिक्स भी छोटे बनेंगे, और अगर उनकी सरफेस बड़ी है तो ग्राफिक्स भी बड़े बनेंगे, ठीक है। और इसको हम टेबल प्लॉटर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। तो स्पीकर क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर के, इन सबको तो आप जानते ही होंगे। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद आया फिफ्थ हमारा आया डिजिटल प्रोजेक्टर। तो डिजिटल प्रोजेक्टर क्या है, ये ऐसा डिवाइस है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और प्रोजेक्ट करता है किस पे, वाइट स्क्रीन पे या फिर वॉल पे, ठीक है। नेक्स्ट
हमने कुछ MCQs थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स पे देने हैं, तो आज इसके आंसर मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वाला ULSI स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड है VLSI इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन, तो वो है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, वो थे IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो वो है नन ऑफ द अबव। एंड द फिफ्थ वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, वो थी फॉर्टन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।